हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ क्लास वी आर गोइंग टू लर्न थर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश लेसन नंबर 8, दैट इज़ अ हनी बी स्पीक्स। हनी बी आपको पता ही है मधुमक्खी, स्पीक्स मतलब बोलती है, क्या बोलती है वो हम देखेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये क्या है? अ मोनोलॉग। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, और लॉग का मतलब, लॉग का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन, मतलब एक सिंगल कॉन्वर्सेशन। दैट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ मधुमक्खी बोल रही है, अपने बारे में बता रही है, कह सकते हैं हमें उस अपने बारे में बता रही है कि वो किस तरीके से क्या क्या अपने अपनी जो एक्टिविटी है वो क्या करती रहती है पूरे दिन, और क्या उसका टास्क है, वो सारी चीज़ें वो बता रही है हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करोगे, एक घंटी जैसी है ना, इस घंटी को प्रेस कर, जब आप सब्सक्राइब करोगे तो एक घंटी का ऑप्शन आएगा, तो उसे प्रेस कर लेना। उससे क्या होगा, फिर तीन ऑप्शन और आएगा। पहला ऑप्शन रहता है ऑल का, ऑल पे क्लिक करना आप। उससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मतलब अगर आपके सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी ना, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मधुमक्खी कैसे बोलती है आपको पता ही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब वो कैसे ऐसे ऐसे बोलती रहती है ना, जो भौंरे होते हैं मधुमक्खी होती है, ऐसे पूरा टाइम करते रहते हैं, तो वो ऐसे ही बोल रहे हैं। वॉट मी अ लेज़ी बी, क्या मैं एक लेज़ी बी हूँ? लेज़ी मतलब क्या मैं एक सुस्त आलसी आलसी बी हूँ, आलसी मधुमक्खी हूँ? यू थिंक आई सिंपली हैव फन ऑल डे अमंग द फ्लावर्स। यू थिंक, तुम सोचते हो, आई सिंपली, मैं सिंपली क्या करती रहती हूँ, फन ऑल डे, पूरे टाइम फन मतलब मज़े करती रहती हूँ, ऑल डे मतलब पूरा दिन मज़े करती रहती हूँ, अमंग द फ्लावर्स, फूलों के बीच में। अमंग मतलब यहाँ पे बीच ही, किसके बीच में? फ्लावर्स के बीच में, क्योंकि हम देखते हैं मधुमक्खी कहाँ में दिखती है, जहाँ पे बहुत सारा फूल रहते हैं, या तो हमें वहाँ पे दिखती है मधुमक्खी, या तो हम देखते हैं जहाँ पे बहुत मीठा रहता है, जैसे आप जलेबी की दुकान पे देखोगे ना, तो जहाँ पे ऐसे रहता है, तो वहाँ पे हम उसे देख पाते हैं मधुमक्खी को। तो यहाँ पे वो बोलती है वही कि तुम्हें लगता है कि मैं पूरा टाइम मज़े करती हूँ? ओ नो, वेन आई एम फ्लिटिंग फ्रॉम फ्लावर्स टू फ्लावर, आई एम एक्चुअली वेरी हार्ड एट वर्क। बोलती है नहीं, जब मैं फ्लिटिंग उड़ती रहती हूँ, फ्लिटिंग का मतलब होता है उड़ना, जब मैं उड़ती रहती हूँ फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, फ्लावर पे फ्लावर, फ्लावर से फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जब उड़ती रहती हूँ, आई एम एक्चुअली, बल्कि उस टाइम पे मैं हार्ड वर्क करती रहती हूँ, बल्कि हम मैं उस टाइम पे हार्ड वर्क मतलब हार्ड वर्क करती रहती हूँ, उस टाइम पे जब फ्लावर पे इधर उधर घूम रही होती हूँ, तो आपको लगता है घूम रही हूँ, पर मैं हार्ड वर्क करती रहती हूँ उस टाइम पे। एंड दैट्स वाई आई एम कॉल्ड नॉट अ लेज़ी बी बट अ बिजी बी। सो दैट्स वाई, इसीलिए आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाना चाहिए, मतलब मुझे इसलिए बुलाते हैं, मतलब क्या बुलाते हैं, नॉट अ लेज़ी बी, मैं एक लेज़ी बी नहीं हूँ, आई एम कॉल्ड, मैं एक, मुझे लेज़ी बी मत बुलाओ, मुझे क्या बोलो, बिजी बी, इसलिए मुझे लेज़ी बी मैं नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, बिजी बी, मैं आलसी नहीं हूँ, बल्कि मैं हमेशा बिजी रहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये बता रही है अपने बारे में। कम आई विल शो यू माई हाउस एंड टेल यू वॉट अ लॉट ऑफ वर्क वी बीज डू ऑल आर लाइफ। तो वो क्या बोलती है, कम आओ, आई विल शो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी मेरा घर, एंड टेल यू, और तुम्हें बताऊंगी वॉट अ लॉट ऑफ वर्क, कितने ज़्यादा काम हम बीज, जो हम मधुमक्खियाँ हैं, वो हम अपनी लाइफ में कितना काम करती हैं। इस तरीके से वो बोलती हुई आगे बढ़ती है। माई हाउस इज़ कॉल्ड अ हनी कॉम, है ना, हनी कॉम में पता है, ये देखो यहाँ पे हनी कॉम, ये देखो, और ये बी है, देखो यहाँ पे इतनी सारी बीज, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने घर में जो नेक्टर नेक्टर को कलेक्ट करती हैं और हनी बनाती हैं। माई हाउस इज़ कॉल्ड अ हनी कॉम, इट इज़ अ बिग हाउस विथ थाउजेंड्स ऑफ रूम्स और सेल्स। ये एक बहुत बड़ा घर होता है, विथ थाउजेंड, हजारों रूम होते हैं या सेल, इसे क्या बोलते हैं, इसे सेल बोलते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, इस शेप का ऐसे ऐसे, ये चाहे उसे रूम बोलो चाहे सेल बोलो, ठीक है, आप देख पा रहे हो।
तो इसमें कितने थाउजेंड ऑफ रूम या सेल होते हैं। ईच रूम हैज़ सिक्स इक्वल साइड, और हर रूम का क्या होता है, सिक्स इक्वल साइड होता है, बराबर छः साइड होता है सबका। अब देखो यहाँ पे आपको सब जगह पे छः ही दिखाई देगा, छः इक्वल साइड कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यही शेप तो आप सब जगह देख पा रहे हो, तो सोचो ये लोग कितना मेहनत कर रही हैं, सारे रूम को एक जैसे बनाना मुश्किल काम है इन बीज के लिए, पर देखो कितने ये लोग हार्ड वर्किंग है ना। तो यही बोल रही है कि ईच रूम है सिक्स इक्वल साइड, हर रूम का इक्वल साइड होता है छः। वी टेक अ लॉट ऑफ केयर टू बिल्ड इट, हम बहुत ध्यान रखते हैं, वी टेक अ लॉट ऑफ केयर, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं इसे बनाते टाइम। वी इवन प्रोड्यूस द मटीरियल फॉर बिल्डिंग द कॉम, तो ये बोल रही है वी इवन प्रोड्यूस, हम प्रोड्यूस भी करते हैं वो मटेरियल को बनाते हैं, ये कॉम को बनाने के लिए हम प्रोड्यूस भी करते हैं। इट्स कॉल्ड बीज वैक्स, ये खुद प्रोड्यूस करती हैं, उसे बनाती हैं अपने अंदर से, मतलब क्या प्रोड्यूस करती हैं, बी वैक्स जो देखोगे तो मोम की तरह रहता है, तो वो बी वैक्स ये खुद ही निकालती हैं और उसे क्या करती हैं, उस मटेरियल से अपने कॉम को बनाती हैं। डू यू नो व्हेन आई वॉज वेरी यंग, जब मैं बहुत छोटी थी, आई यूज़ टू स्टे एट होम, मैं घर पे ही रुकती थी, स्टे मतलब रुकना, ठीक है, स्टे मतलब रहना या रुकना, मैं घर पे ही रुकती थी, बट इवन देन आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, लेकिन अभी मैं बहुत सारा काम करती हूँ। आई हैड टू लुक आफ्टर द लार्वा, तो यहाँ पे वो बोल रही है कि मुझे ध्यान भी रखना पड़ता है लार्वा का, लार्वाइज मतलब कि यहाँ पे जो बहुत सारे लार्वा छोटे छोटे जो एग में ये जो देती है ना, यहाँ पे इसमें ना एग भी होता है, इसमें छोटे छोटे वाइट वाइट एग होते हैं, तो क्या होता है वो एग बाद में जब इस एग में से निकलते हैं तो छोटे छोटे क्या बनते हैं, लार्वा बनते हैं, लार्वा वही जो बच्चे निकलते हैं उसमें से छोटा रहता है, इसलिए लार्वा। आपने पढ़ा होगा बटरफ्लाई के बारे में, वो लार्वा कैसे, फोर्थ स्टैंड में आप पढ़ोगे साइंस में, तो वो जो छोटे छोटे अंडे से निकलते हैं उनको बोलते हैं लार्वा। द बेबीज दैट वुड ग्रो इन टू बीज, तो बोल रही कि वो बच्चे जो हैं वो उसी में मतलब कि जो बड़े होके क्या बनते हैं, बीज बनते हैं, हनी जो मधुमक्खी बनते हैं। आई हैड टू फीड देम एंड प्रोटेक्ट देम, हमें क्या करना पड़ता था, मतलब कि जब ये छोटे छोटे बच्चे रहते हैं लार्वा, यहाँ पे उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है, बचा के रखना पड़ता है उस हनी कॉम में। इफ़ एनी वन केम नियर आर कॉम टू डिस्टर्ब इट, इफ मतलब अगर कोई केम नियर पास में आता है, किसके पास में, आर कॉम हमारे कॉम के पास में आता है तो, या उसे डिस्टर्ब करता है, इट वॉज़ रेडी विद माई वेपन, तो मैं कैसे अपने वेपन के साथ हमेशा तैयार रहती थी। अ स्ट्रिंग, इसका वेपन क्या है, स्ट्रिंग पता है, उसका स्ट्रिंग ऐसे होता है उसका ऐसा, ठीक है, स्ट्रिंग मतलब वो जो यहाँ पे होता है ना उसके माउथ के पास में, जिससे वो काट लेती है, यहाँ पे होता है उसका स्ट्रिंग, ठीक है, जिससे वो डंक मार देती है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, वो उसका क्या है, वेपन है, क्या है, वेपन मतलब अस्त्र है, हथियार है उसका, क्या है उसका हथियार, वेपन क्या है, स्ट्रिंग। आई एम नॉट ओनली अ वर्कर, मैं सिर्फ एक वर्कर नहीं हूँ, मैं सिर्फ काम करने वाली नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो अ सोल्जर, मैं एक सिपाही की तरह हूँ, बी वेयर डोंट ट्रबल मी, तो सावधान रहो, मुझे प्रॉब्लम में मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ट्रबल का मतलब यहाँ पे मुसीबत में मत डालो, मेरे लिए मुश्किल मत क्रिएट करो, मैं एक सोल्जर की तरह भी हूँ। तो उसके पास क्या है, वेपन है, उसका वेपन क्या, स्टिंग है, तो किसी के ऊपर भी अटैक कर सकती है, इसलिए वो अपने आप को सोल्जर भी बोल रही है। वेल टू गो बैक टू द कॉम आई हैड टू कीप द कॉम कूल बाय फैनिंग इट विद माई विंग्स, तो यहाँ पे बोल रही है वेल टू गो बैक टू द कॉम, जब मतलब कि यहाँ पे टू बैक द कॉम जब वापस कॉम में आती है, आई हैड टू क्या करती है वो अपने कॉम को क्या करती है, कूल रखती है, फैनिंग मतलब हवा देती है, पंखों से क्या करती है, फड़फड़ा फड़ा के हवा देती है अपने पंखों से और उसे ठंडा रखती है। देन आई हैड टू कीप द हाउस इन ऑर्डर, पुट अवे ऑल द हनी एंड फूड दैट अदर बीज ब्रॉट फ्रॉम द फ्लावर्स, देन आई हैड टू कीप, और मैं क्या करती हूँ, आई हैड टू कीप, मुझे रखना पड़ता है कि जो मेरा हाउस है उसे एक ऑर्डर में रखना पड़ता है, मतलब क्या क्या रखना पड़ता है, जो पुट अवे ऑल द हनी, तो जो हनी है उसे क्या करना पड़ता है, सबसे दूर रखना पड़ता है, और जो फूड होते हैं जो जो मतलब कि फ्लावर्स से लेके आती हैं सारे जो बीज होती हैं, तो वो क्या करती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वो क्या बोलती है कि जब मैं अपने
मतलब बाहर से जब आती हूँ कॉम के पास अपने, तो क्या करना पड़ता है, इसे ठंडा करना पड़ता है अपने पंखों से, मैं उसे ठंडा फैनिंग करके हवा देती हूँ उसे और ठंडा करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसने क्या बताया मुझे, अपने घर को ऑर्डर में मतलब बहुत ही अच्छे से तरीके से रखना पड़ता है, पुट अवे ऑल द हनी, हम मुझे हनी और फूड को एक साइड में रखना पड़ता है, जो कि जो अलग मतलब कि जो बीज जो मधुमक्खियाँ लाती हैं सब फ्लावर से, वो सब मुझे अच्छे से ऑर्डर में रखना पड़ता है। बट लकीली, लेकिन अच्छे मतलब लकीली मतलब कि कह सकते हैं भाग्यवश, मतलब ये तो मेरी अच्छी किस्मत है, आई हैड हंड्रेड्स ऑफ अदर बीज, कि मेरे पास सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ मतलब कि सैकड़ों सैकड़ों और मधुमक्खियां हैं जो मेरे साथ काम करती हैं, वर्किंग विद मी, वी ऑल वर्क टुगेदर विदाउट एवर फाइटिंग, वी ऑल वर्क टुगेदर, हम एक साथ सभी मिलकर काम करती हैं विदाउट एवर फाइटिंग, बिल्कुल भी झगड़ा किए बिना, ठीक है, झगड़ा बिल्कुल नहीं करते हम, यहाँ पे बोल रही है विदाउट एवर फाइटिंग, कभी झगड़ा नहीं करते और काम करते हैं, दैट्स वन रीज़न, यही रीज़न है वाई वी कैन बिल्ड सच परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल हाउसेस, यही रीज़न है कि हम कि क्यों हम इतना अच्छा परफेक्ट घर और इतने सुंदर ब्यूटीफुल हाउसेस बना पाते हैं, क्योंकि हम पूरे टाइम से वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, बिना लड़ाई झगड़े के एक साथ मिलके काम करते हैं। यस आई हेल्प विद द हाउस बिल्डिंग टू, यस आई हेल्प मतलब मैंने हेल्प किया जो घर बनाने में भी, जो हाउस बिल्डिंग है मतलब घर बनाने में भी मैंने हेल्प की, वही उसका जो हनीकॉम की बात कर रही है, वी कीप मेकिंग आवर हाउस बिगर एंड बिगर टू मेक रूम फॉर द बेबीज एंड फॉर द फूड एंड हनी वी गैदर, वी कीप मेकिंग, हम क्या करते हैं हम हाउस को और बड़ा बनाते जाते हैं, मेक रूम क्यों बनाते हैं इतना बड़ा, मेक रूम फॉर द बेबीज, जो छोटे बच्चे हो रहे हैं ना बीज के छोटे छोटे, वो भी उनके रहने के लिए भी, और जो फूड एंड हनी है वो जो गैदर मतलब इकट्ठा करते हैं हनी और फूड, उसको रखने के लिए वो धीरे धीरे बड़ा 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 और बहुत बड़ा छत्ता वो मधुमक्खी का बनाते जाते हैं, ठीक है, कॉम का मतलब मधुमक्खी का छत्ता, वेन आई बिकेम ओल्डर, जब मैं बड़ी हुई आई बिगैन टू फ्लाई आउट ऑफ द कॉम टू गैदर नेक्टर, जब मैं बड़ी हुई तो आई बिगैन टू फ्लाई, यहाँ पे अभी तक वो क्या बात बता रही थी कि जब वो थोड़ी छोटी थी, ठीक है, मतलब कि व्हेन आई वाज यंग, तो मतलब उसके बाद की बात बता रही थी कि मैंने घर बनाने में भी हेल्प की और ये सारी चीज़ें वो बता रही थी, अभी वो बता रही कि जब मैं बड़ी हुई तो मैंने क्या किया, आई बिगैन टू फ्लाई, मैं उड़ने लगी आउट ऑफ द कॉम, कॉम से बाहर जाने लगी वो, इसके पहले वो सिर्फ क्या क्या करती थी, वो लोगों का ध्यान रखती थी, लार्वा का ध्यान रखती थी, घर बनाने में भी हेल्प करती थी, वो सारे काम, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो यहाँ पे वो देखो क्या क्या काम कर रही है, अभी वो कॉम से अपने जो मधुमक्खी है जो उसका हाउस है उससे बाहर जाने लगी, ठीक है, उड़ने लगी, आई टेक द नेक्टर एंड पॉलन फ्रॉम द फ्लावर्स एंड कैरी देम बैक टू द कॉम, तो ये क्या करने लगी, आई टेक द नेक्टर, नेक्टर लेने लगी और पॉलन वो लेने लगी फ्लावर्स से, फ्लावर्स से वो क्या नेक्टर और पॉलन ये सब लेके आने लगी और वापस कहाँ पे लेके आती, कॉम में, जैसे बाकी की बीज क्या करती हैं सारे नेक्टर जो फ्लावर से जो उसके जूसेस हैं वो और पॉलन वो लेके आती थी, उनकी तरह ये भी वापस इस तरीके से काम करने लगी, वो कॉम से जाती, फ्लावर से क्या करती, वो सारे नेक्टर और पॉलन ग्रेस लाती और वापस से कॉम में आती, ये सारा काम करने लगी। अब नेक्टर क्या है, नेक्टर इज़ द स्वीट जूस इन फ्लावर्स, तो नेक्टर क्या है, स्वीट जूस, रस होता है फ्लावर्स का, फ्लावर में रस होता है ना, तो वो लेके आती है, और पॉलन क्या होता है, यहाँ पे उसने बोला कि पॉलन और नेक्टर लाती है, तो पॉलन क्या है, तो पॉलन होता है, पॉलन इज़ द येलो पाउडरी स्टफ यू सी ऑन द फ्लावर्स, आपने देखा होगा एक्चुअली इट्स अ फाइन पाउडरी सब्सटेंस टिपिकली इन येलो कलर, ओके, ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का पाउडर जब आप टच करोगे ना उसे तो येलो येलो हाथ में लग जाता है फ्लावर का, वो तो उसको बोलते हैं पॉलन, ठीक है, जैसे कि आपने गुड़हल के फूल में देखा होगा तो वो कैसा ऐसा रहता है ना, तो उसमें ये जो होता है ये वाला जो पार्ट होता है ये फ्लावर हुआ और ये इसमें देखोगे आप तो ये क्या होता है, ये उस पर हाथ लगाओगे तो येलो येलो हाथ में आ जाता है, तो वो होता है पॉलन, और उसका जूस तो अगर मैं अगर आपको आपने जो ओलियंडर या फिर कनेर का फूल देखा होगा ना, तो जब उसको आप तोड़ोगे ना और उसके जैसे इस तरीके से वो फूल होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे लगा होता है, तो जब आप इसे ये वाला निकालोगे ना और इसको ऐसे ऐसे दबाओगे ना, इन दोनों को ऐसे जब ऐसे दबाओगे तो आप देखोगे उसमें से एक या दो बूंद उसमें से रस निकलता है, मीठा मीठा लगता है, तो वैसे ही उसमें क्या होता है, वो बहुत सारे ये क्या करती है, जो उसका स्टिंग होता है ना मधुमक्खी का, ये जो मधुमक्खी का स्टिंग होता है तो इसके थ्रू वो क्या करती है, वो निकालती है जूस को अपने माउथ में लेके जाती है और फिर कहाँ पे रख देती है, कॉम में रख देती है उसको भर के,
ठीक है, और वो शहद वो लोग यूज़ करते हैं, और वो मतलब उसको क्या करते हैं, वो लोग चाटते हैं उसको, ठीक है, खाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको नहीं करते, इंसान उसको यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा हो जाता है तो वो गिर जाता है, तो इंसान क्या करते हैं उसे यूज़ कर लेते हैं, या फिर नहीं भी गिरते तो भी वो क्या करते हैं, आग वाग जला के उस सारी मधुमक्खियों को भगा के और वो उसका रस निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग अपने लिए बनाती हैं, उस वो उनका घर होता है, उसे वो यूज़ करती हैं। तो कई बार क्या होता है, आप देखोगे ना कि जब हनीकॉम होता है वो नीचे गिरा हुआ पड़ा पड़ा हुआ मिलता है, सूखा मिलता है। क्यों सूखा मिलता है? क्योंकि सारी मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, वो पूरा नेक्टर को वो पी जाती हैं, वो खुद ही चाट जाती हैं उसको। तो आपको समझ में आ गया होगा पॉलन क्या है। पॉलन एक येलो पाउडरी स्टफ है, मैंने आपको बताया, जो कि फ्लावर्स पे होता है। नेक्टर मैंने आपको बताया कि स्वीट जूस होता है, जो स्वीट जूस फ्लावर में होता है। आई विजिट हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स एंड मेक सेवरल ट्रिप्स एवरी डे विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मोमेंट। तो यहाँ पे वो बता रही है कि मैं विजिट करती हूँ, मतलब जाती हूँ हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स, मतलब सैकड़ों फ्लावर्स पे मैं जाती हूँ, और इस तरीके से कई सारे ट्रिप करती हूँ डेली। ट्रिप का मतलब कितनी दूर दूर जाती हुई, जहाँ जहाँ उसे फ्लावर नहीं मिलता है। अब हर जगह पे तो फ्लावर नहीं होगा, जहाँ पे भी फ्लावर मिलेगा वो दूर दूर जाएगी और फ्लावर में से क्या करती है, रस निकालती है। ट्रिप्स एवरी डे, हर दिन वो ऐसा करती है विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मोमेंट, एक सिंगल एक पल भी, सिंगल मोमेंट मतलब एक पल एक क्षण भी वो वेस्ट नहीं करती, बिना वेस्ट किए वो पूरा टाइम ऐसा ट्रेवल करती रहती है, ट्रिप करती रहती है अपना। द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स इज टू थिन, तो जो नेक्टर होता है ना, ये जूस होता है ना फ्लावर का, फ्लावर के अंदर का, बहुत ही थिन बहुत पतला होता है। वी बीज टर्न इट इंटू द स्वीट थिक हनी दैट यू लाइक, लेकिन जो हम बीज होती है ना, हम उसे क्या करते हैं, उसे हम उसे एकदम थिक गाढ़ा बना देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कितना गाढ़ा होता है, क्या आपने उतना गाढ़ा थोड़ी देखा होगा किसी भी फ्लावर में। ये तो प्रोसेस करती हैं अपने तरीके से, बना के उसे थिक कर देती है, मोटा थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला, तो ये इसे थिक मतलब गाढ़ा कर देती है जैसे कि हमें पसंद होता है। इट्स ओनली बिकॉज यू कॉल मी अ लेजी बी, ये इसलिए कि तुम मुझे लेजी बी बुलाते हो। आई स्टॉप्ड, मैं रुकी एंड एक्सप्लेन इट इट ऑल टू यू, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया, ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन किया। अदरवाइज नहीं तो आई हैव नॉट अ मोमेंट टू लूज, मेरे पास एक पल भी नहीं है खोने को। बाय। वो क्या बोलती है कि ये तो तुम मुझे लेजी भी बोलते हो ना, इसके लिए मैं रुकी और तुम्हें ये सारी कहानी बताई, नहीं तो मेरे पास तो एक पल भी नहीं है खोने के लिए। लूज मोमेंट टू लूज मतलब एक पल भी खोने के लिए मेरे पास नहीं है, फालतू वक्त मेरे पास नहीं है। बाय। वो फिर से अपने काम पे निकल जाती है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से वो आती है यहाँ से उड़ के, और ये अपना यहाँ पे इससे रस निकालती है, फिर हमारे लिए वो क्या बनाती है, नेक्टर बनाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। ओके।